अस्सलाम वालेकुम। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हमारे 10th के इंग्लिश बी के एसेज का लास्ट डे है, लास्ट एसे है ये हमारा, एसे नंबर 17 बाय बॉय स्काउट्स। गर्ल गाइड्स की तरह ये बॉय स्काउट्स होता है। याद रखें, इस चैनल के अलावा मेरे और भी चैनल हैं जो नीचे कमेंट्स बार के साथ जो वी का निशान है वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है, वो लाजमी देखें और एंजॉय करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। बॉय स्काउट्स आर द यंग बॉयज हु आर ट्रेंड टू डू यूजफुल सर्विसेज। बॉय स्काउट वो नौजवान लड़के होते हैं जिन्हें मुफीद खिदमात सर अंजाम देने के लिए तरबियत दी जाती है। दे आर properly trained, they may be employed in doing other special useful jobs. उन्हें तरबियत दी जाती है ताकि उन्हें मुफीद काम करने के लिए हायर किया जा सके, भर्ती किया जा सकते। स्कूल स्काउट्स आर फॉर्म्ड इनटू बैचेस, दस दे आर पुट अंडर अ सॉर्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। Sometimes senior scouts are trained. Senior scouts are trained as scout masters. बाज़ार senior scouts को scout master के तौर पर भी तरबियत दी जाती है। As it is wisely said, scouting is a game for boys under the leadership of boys and under the direction of a man. The boy scouting movement owes its birth to the Great War. Boy Scouting movement जंग के दौरान वकूफ पजीर हुई। सर रॉबर्ट बैडन पॉल स्टार्टेड दिस मूवमेंट। सर रॉबर्ट बैडन पॉल ने इस तहरीक का आगाज किया। दे ट्रेंड स्काउट्स टू हेल्प द मिलिट्री इन वॉर। उन्होंने जंग में फौज की मदद करने के लिए स्काउट्स की तरबियत की। द स्काउट्स बिल्ड हाई आइडियल्स बिफोर द पब्लिक, दस दे इम्प्रूव द मॉरल टोन ऑफ द सोसाइटी। विद दिस आइडिया ग्रोन अप पीपल वर ब्रॉट इनटू द मूवमेंट। इसके बाद इस ख्याल के बाद लोगों को इस तहरीक में मजीद भर्ती किया गया। नाउ द बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑफ ऑल क्लासेस आर एडमिटेड बाय द स्काउट एसोसिएशन। अब लड़के और लड़कियों को भी इस एसोसिएशन में शामिल किया जाता है। द बॉय स्काउट मूवमेंट हैज नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में बॉय स्काउट मूवमेंट फैल गई है। एज इट इज वाइजली सेड, अ बॉय इज ऑन जॉइनिंग स्काउटिंग वांट्स टू बिगिन स्काउटिंग इन अ राइट वे। बॉय स्काउट्स लर्न थिंग्स विच आर ऑफ प्रैक्टिकल यूज इन लाइफ। दे आर टॉट टू बी ब्रेव करजियस एंड हेल्पफुल। उन्हें बहादुर हौसलामंद और मदद करने के लिए जो है सिखाया जाता है। इन देयर यूनिफॉर्म दे आर ऑलवेज एक्टिव। वो अपने यूनिफॉर्म में हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। द स्पिरिट ऑफ हीरोइज्म एंड पैट्रियटिज्म इज फील्ड इन देम। हीरो का जज्बा और हुब्बुल वतनी का जज्बा उनमें भरा हुआ था। इंडीड एवरीथिंग that makes us useful citizen is taught to them. हर वो चीज़ जो हमें एक मुफीद शहरी बना सकती है उन्हें सिखाई जाती है। As it is wisely said,
You're rightly said. We must depend upon Boy Scout movement to produce men of the future. हमें Boy Scout movement पर depend करना पड़ता है अच्छे मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बनाने के लिए इंसान बनाने के लिए. Therefore, I was also interested in Boy Scouting. I wanted to be a Boy Scout. My experience as a Boy Scout had been one of the greatest experiences in my entire life. When I was asked if I wanted to join Boy Scouts at the end of fifth grade, पांचवी करने के बाद जब मुझे पूछा गया क्या मैं Boy Scout बनना चाहता हूँ, my response was an immediate yes. मैंने फौरन हाँ की. As it is wisely said, in scouting you are combating the brooding of selfishness. Through Boy Scouts, I have been able to spend a lot of time with my friends. Boy Scout के जरिए मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने के काबिल हुआ. While we have been कैंपिंग टुगेदर, चूंकि हम इकट्ठे ही मिलकर कैंपिंग कर रहे थे, कैंपों में थे. आई हैव कलेक्टेड मेमरीज दैट आई हैव नेवर फॉरगेट. हमने ऐसी यादें मैंने इकट्ठी की जो कभी नहीं मैं भूल सकता. एज इट इज राइटली सैड करेक्टिंग बैड हैबिट्स कैन बी डन बाय फॉरबिडिंग आर पनिशमेंट. नाउ एज आई अटेम्प्ट टू reach Eagle Scout, I have realized how much I have learned during my experience as a scout. I have learned everything such as how to communicate with others. मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और मैं ये मालूम हुआ कि आप स्काउट का कितना तजर्बा था क्या, और मैंने ये भी सीखा कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है. I have been taught how to administer first aid in an emergency. मैं मुझे ये भी सिखाया गया है कि मैंने emergency की सूरत हाल में, हंगामे सूरत हाल में first aid इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे देनी है. And how to tie multiple knots और चीज़ों को कैसे बांधना है. Teach scouts not how to get a living but how to live. Boy Scouts also render help in fairs and exhibitions. They carry वो मेलों में और नुमाइशों में भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं. They carry on fight against diseases. वो बीमारी के खिलाफ लड़ने में भी लोगों की मदद करते हैं. The services they render to pilgrims are worth praising in local melas. Indeed, Boy Scouts are a very useful team of workers. As it is rightly said, a scout smiles and whistles under all circumstances. In many Western countries, Boy Scouts are trained in ambulance work. They are employed when they are grown up. In short, Scout movement seeks to bring out the best in a boy in a girl. It tries to develop his or her character, physical health and sense of service. As it is rightly said, the spirit that is there in every boy, it has to be discovered and brought to light. Har shakhs mein हर लड़के में, हर शख्स में जज्बा होता है. इसे सिर्फ जाहिर और सामने लेकर आने की जरूरत होती है. हैव अ नाइस डे, गुड बाय. ए जी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, गुड बाय.